फिट सिंपल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो सबसे पहले बहुत ही प्यारे न्यू मेंबर की मैं इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। ये है मेरी न्यू पेट, मेरी जान का टुकड़ा, इसका नाम है रूई। तो इससे रिलेटेड आज मैं वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए इसको मैं साइड में रख देती हूँ। सबसे पहले तो मेरी रूई आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में तो ज़रूर बताना। एंड गाइस, आज की वीडियो होने वाली है मेरी न्यू पेट से रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों की तरफ से मुझे ढेर सारे कमेंट्स आए थे, तो उसी में से कुछ कुछ कमेंट्स की मैं रिप्लाई करने वाली हूँ जो कि मुझे इम्पोर्टेंट लगा। जैसे कि इसका प्राइस क्या है, कहाँ से मैं लिया है, इसका एज क्या है, इसको खाने के लिए मैं क्या क्या देती हूँ, और मेरी और एक जो पेट है बनी, उससे रिलेटेड भी एक दो क्वेश्चन है जो कि मैं आंसर करने वाली हूँ। एंड गाइस, अगर आप लोग मेरी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, इफ़ यू लाइक माय वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन को भी ज़रूर हिट कर लेना, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम वीडियोस अपलोड करूँ तो आप लोगों के फ़ोन पे नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मैं एक डायरी पे, इस तरीके का डायरी पे मैंने सारे क्वेश्चंस को नोट कर लिया है, ताकि मैं आप लोगों के क्वेश्चंस की मैं आंसर कर पाऊँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करें। एंड गाइस, मैं और एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो भी क्वेश्चन का कमेंट का आप लोगों का मैं रिप्लाई करने वाली हूँ उसका स्क्रीनशॉट नीचे दी हुई होंगी, ताकि आप लोगों को भी समझने में आसानी हो जाए। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आप लोगों के क्वेश्चंस की आंसर करना स्पेशली। एंड और एक चीज़ मैं कहना चाहती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स देख के दिल से मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती हूँ, लेकिन कुछ कुछ कमेंट्स जो होती है ना, थोड़ी बहुत हर्टिंग भी होती है। तो चलिए, सबसे पहला जो मुझे कमेंट मिली थी वो है महबूब हुसैन जी की तरफ से। आई होप आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। उन्होंने कहा है, आप बड़े वाइट रैबिट को क्यों केज में रखते हो, कीप हिम सेपरेटली बट नॉट केज। सो मैं कहना चाहती हूँ गाइज, अगर आप किसी बारे में नहीं जानते हो तो उससे पहले आप डिटेल्स में जान लिया कीजिए, क्योंकि मेरी जो बड़ी रैबिट है 2.5 साल उसका एज है, उसको मैं कभी भी केज के अंदर बंद करके नहीं रखती हूँ। मेरी छोटी सी रूई की वजह से मैं जब वीडियोस बनाती हूँ, मेरी कॉन्सेंट्रेट जब कैमरे की तरफ होती है, उस टाइम पे मैं एक को केज के अंदर रखती हूँ, दूसरे को बाहर रखती हूँ। एंड ज़्यादातर अभी जो मैं कर रही हूँ, मेरी रूई को मैं नीचे लेके चली जाती हूँ, एंड मेरी बनी जो है ऊपर के रूम पे ही होती है सुबह से लेकर शाम के टाइम तक। सो गाइस, प्लीज़ बिना जाने हुए जज मत करना, थोड़ी बहुत जान के ही जज करना। मैं एक के लिए दूसरे को केज के अंदर बंद नहीं करती हूँ। वो अगर आप लोग मेरी पुराने सब्सक्राइबर्स होंगे तो आपको पता होंगे, एक टाइम पे मैं उसको छोड़ती हूँ केज से बाहर और दूसरे टाइम में दूसरे रैबिट को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन मोमिता मित्र बासु जी ने, और उसके साथ मीशो टिप्स ने भी एक ही क्वेश्चन किया है, दोनों आईडी से एक ही क्वेश्चन, एक बंगाली में क्वेश्चन मिली है और एक हिंदी में। सो रूई एज का तो, और ये कितने मंथ की है, तो इसका एज मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, ये तो हमारे घर में तो बॉर्न नहीं हुई है, तो उसका प्रॉपर एज मुझे नहीं पता है, बट उसका साइज़ वगैरह देख के मुझे यही लग रहा है 2 मंथ्स की आसपास की एज की होगी मेरी रूई। सो आई होप आप मेरी रूई की एज को लेकर सारे डाउट्स आप लोगों को क्लियर हो गई है। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के आंसर करती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आई है वन सेकेंड रवि सरफ जी के तरफ से। उन्होंने कहा है, ये कौन सी लीव है जो मैं मेरी बनी को और मेरी रूई को खाने के लिए दी थी एक वीडियो में। सो मैंने एक वीडियो में कोलमीशा खाने के लिए दी थी, तो उस वीडियो में ये मुझे कमेंट मिली है। तो बहुत सारे मुझे ऐसे कमेंट्स मिले हैं, लेकिन मैं हर एक को तो पिकअप नहीं कर सकती हूँ हर एक कमेंट को। तो ये जो है वाटर स्पिनिच कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में पालक ही कहते हैं इसको, लेकिन पानी में उगने वाला जो पालक होती है, पानी का जो पालक होती है उसको ही इंग्लिश में वाटर स्पिनिच कहते हैं। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं इधर पर स्क्रीनशॉट दे दूँगी। ये मेरी रैबिट और बनी बेहद पसंद करती है, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो आप ये लीव ज़रूर दे सकती हो। लेकिन जो नॉर्मल स्पिनिच होती है वो रैबिट के हेल्थ के लिए उतने अच्छे नहीं होते, बट वाटर स्पिनिच जो मैं देती हूँ वो रैबिट के हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। एंड मैं मेरी रैबिट को भी देती हूँ, आप चाहे तो दे सकते हो। तो पालक भी, पानी में उगने वाला पालक भी कहते हैं, बंगाली में कोलमी शाक भी कहते हैं, इंग्लिश में वाटर स्पिनिच कहते हैं। तो आप लोग गूगल में भी सर्च कर सकते हो। तो मुझे नेक्स्ट जो क्वेश्चन रिसीव हुई है वो है कि एहसास एमडी जी की तरफ से मुझे मिली है, वो है हाउ मच कॉस्ट ऑफ योर रैबिट। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, आई नो आप अच्छे नज़रिए से ही बोले होंगे,
मेरी रैबिट की कॉस्ट है करीब करीब 250 रुपये, मैंने वीडियो में भी बताई थी पिछले वीडियो में, तो इसका प्राइस है 250 रुपये। लेकिन पैसों के बोल से मैं भेदभाव नहीं करना चाहती हूँ, अगर ज़्यादा पैसे से मैं कोई पेट खरीदूँगी तो वो ज़्यादा अच्छे पेट होंगे, और कम पैसे से मैं खरीदी हूँ तो इस तरीके से जजमेंट मत कीजिएगा कि इतना सा कम पैसा कि कोई पेट कैसे अच्छे होंगे या फिर कुछ इस तरीके से मत सोचिएगा। आई होप मैं समझा पा रही हूँ। तो ये मेरा जानकर टुकड़ा है, ये पैसों से भेदभाव नहीं करती हूँ मैं, ये हीरे से भी अनमोल चीज़ है। ओ शुक्र शुक्र शुक्र। तो यही मैं बोलना चाहती हूँ, 250 रुपये लगे लेकिन ये मेरी बहुत ही दिल की करीब है, इसका कोई मोल नहीं होता, इसका कोई भेदभाव नहीं होता है। मेरे बनी, मेरी रैबिट, मेरे जो भी पेट्स है वो मेरा दिल का बहुत करीब है। अगर मुझे कोई, अगर इसको ख़रीदने के लिए कोई बोलेंगे भी 1000 रुपये दे दूँगी तो भी मैं नहीं देने वाली हूँ। 1000 क्यों, 10,000, 20,000 भी कोई बोलेंगे कि इसको दे दो हटा दो, लेकिन मैं नहीं हटा पाऊँगी क्योंकि ये मेरे दिल की बहुत करीब है। सो यही कुछ क्वेश्चंस थी जो कि मुझे लगा चलो रिप्लाई कर देती हूँ। एंड और एक क्वेश्चन थी वो मुझे याद नहीं है फिलहाल, वो मैं नोट डाउन करने भूल गई थी। आप कौन सी ग्रास देते हो अपने रैबिट्स को? तो ग्रास का नाम तो मुझे नहीं पता है, जो कि उगते हैं बिना कांटे वाला जो ग्रास होते हैं, छोटे छोटे ग्रीन ग्रीन, कोई कांटे वगैरह नहीं होती है, वो ही देती हूँ। एंड वो मैं ड्राई करके ज़्यादातर देती हूँ। अंकल गाइस, मैं मेरी रैबिट के लिए हेल्दी ट्रीट घर में कैसे बनाती हूँ और आप लोग कैसे अपने रैबिट को हेल्दी ट्रीट दे सकते हो घर में, ताकि आपके रैबिट हेल्दी भी रहे और जो है बहुत अच्छे से हैप्पी भी हो जाए, तो वो मैं बहुत ही जल्द शेयर करने वाली हूँ। आई थिंक कल की वीडियो में दिखेंगे आप लोगों को। सो गाइस, इस तरीके का वीडियो अगर आप लोग ज़्यादा देखना पसंद करते हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिए और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।